हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप देख सकते हो मेरे पास ये ब्लाउज का कपड़ा है जो कि 1.25 मीटर है, मुझे साड़ी में मिला था। सो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो थोड़ा प्रिंटेड है। सो पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे, जो कि अस्तर है 1.25 मीटर, जितना ब्लाउज का कपड़ा है उतने। सो मैंने अस्तर का फॉल फोर कर लिया है और स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हो उसका। शोल्डर की तरफ हम लोग एक सीधी लाइन खींच लेंगे। शोल्डर है हम लोग का 12 इंच, 12 इंच का आधा होगा 6 इंच, लेकिन हम लोग 6.5 इंच लेंगे ताकि आधा इंच सिलाई में दब जाएगा, इसीलिए। लेंथ है हम लोग का 14 इंच और हम लोग एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे, टोटल हम लोग 15 इंच लेंगे। आर्म होल का डाउन लेंगे हम लोग 6.5 इंच। अगर आपका चेस्ट बड़ा होगा तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। और हम लोग का चेस्ट है 38 इंच, 38 का चौथा भाग होगा, 9.5 इंच पे मैंने मार्क किया है। वेस्ट है हम लोग का 30 इंच, 30 इंच का चौथा भाग होगा, 7.5 इंच, प्लस हम लोग टेकिंग के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। सो इन दोनों लाइन को मिला लेंगे। सो ये शोल्डर की तरफ से ये आर्म होल का लाइन भी मिला लेंगे। और हम लोग गोलाई के लिए फ्रंट साइड में हम लोग 1 इंच लेंगे और बैक के लिए हम लोग 1.5 इंच लेंगे। सो इस तरीके से हम लोग दोनों लाइन, दोनों मार्जिन को गोलाई में मिला लेंगे। सो हम लोग गले का ब्रॉड लेंगे, यानी चौड़ा लेंगे 3 इंच, और यहाँ से हम लोग 1/2 इंच डाउन कर लेंगे शोल्डर की तरफ। सो अभी हम लोग का गला का कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि गला हम लोग का डिफरेंस होगा, यानी फ्रंट और बैक का। सो पहले हम लोग बॉडी की तरफ एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा था, लेकिन अभी हम लोग कटिंग करते समय एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग कर लेंगे। सो मैंने ये बॉडी का पार्ट काट चुकी हूँ, सो इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी अलग अलग कर चुकी हूँ। तो पहले हम लोग ये फ्रंट के पार्ट कटिंग कर लेंगे। सो फ्रंट का हम लोग वी नेक करेंगे, वी गला करेंगे, यानी हम लोग गला का डीप होगा 8 इंच। तो इस तरीके से, तो नीचे में भी मैंने ब्रॉड 3 इंच लिया है और ये दोनों लाइन को मैंने सीधी कर लिए हैं, और इस तरीके से मैंने इसको वी शेप दिया है। तो अभी हम लोग का फ्रंट का अस्तर का कटिंग हो चुका है। अभी हम लोग बैक का कटिंग करेंगे। सो बैक का गला का ब्रॉड है 3 इंची, जैसे कि पहले मैंने बताया था, और नीचे में हम लोग यानी 3.5 इंच छोड़ के एक मार्जिन लेंगे, देख सकते हो, और ये दोनों लाइन मिला लेंगे। और ऊपर से हम लोग फिर से 3 इंच छोड़ के एक मार्जिन करेंगे, देख सकते हो। अब ये दोनों लाइन को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, टोटल हम लोग का 9 इंच आ रहा है। 9 इंच का हम लोग आधा करेंगे, यानी 4.5 इंच पे हम लोग मार्जिन कर लेंगे। अभी हम लोग को यहाँ पे 3 इंच है, हम लोग ये यहाँ पे हम लोग 4 इंच लेंगे, यहाँ बीच के बीच में हम लोग 4 इंच का डिस्टेंस लेंगे, और इस तरीके से हम लोग यहाँ गले की शेप दे देंगे। और ये बीच की मार्जिन से ये तिरछी लाइन से दोनों हिस्से को हम लोग इस तरह से मिला लेंगे, यानी ट्रायंगल शेप में हम लोग इसको मिला लेंगे। तो देख सकते हो बैक का कटिंग भी हो चुका है। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम लोग। तो स्लीव लेंथ है हम लोग का 9 इंच, देख सकते हो स्लीव लेंथ है हम लोग का 9 इंच। हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल हम लोग का 10 इंच सिलाई के लिए। तो दोनों लाइन को हम लोग सीधी खींच लेंगे, ऊपर की तरफ भी सीधी खींच लेंगे लाइन। सो ऊपर से हम लोग 3 इंच डाउन करेंगे, और स्किल से हम लोग इस तरीके से सीधे कर लेंगे लाइन को।
अभी हम लोग कफ का मेजरमेंट लेंगे, यानी कफ 11 इंच है, 5.5 इंच मैंने मार्जिन कर लिया है। आर्म का गोलाई, आर्म होल था हम लोग का 6.5 इंच, लेकिन आधा इंच टोटल हम लोग 6.5 इंच था, हम लोग 7 इंच मार्जिन कर लिया है। और इस तरीके से हम लोग हाथ में कफ में यानी गोलाई दे देंगे। सो फ्रंट की तरफ इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ छाट लेंगे। सो हम लोग का स्लीव का कटिंग भी हो चुका है। सो इसी तरीके से हम लोग ये मेन फैब्रिक पे रख के हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो मैंने सारा फैब्रिक कटिंग करके रेडी कर चुकी हूँ, देख सकते हो फ्रंट बैक और स्लीव का भी कटिंग कर चुकी हूँ। अभी हम लोग स्टिच करेंगे। सो पहले हम लोग मैंने बैक का कपड़ा लिया है, बैक का स्टिच करेंगे। सो मैंने डोरी, दो डोरी बना के रेडी कर चुकी हूँ और ये गले में डालूँगी ये डोरी को। सो इस तरीके से फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को सीधा करके ऊपर से अस्तर की फैब्रिक को रख के हम लोग स्टिच करेंगे और बाद में इसको उल्टी कर लेंगे, यानी पहले सीधी में रख के स्टिच करेंगे बाद में उल्टी कर लेंगे। सो मैंने स्टिच करके इसको उल्टी की तरफ, सीधी की तरफ कर लिया है, पहले उल्टी की तरफ था। सो अभी मैंने यहाँ पे बीचों बीच आर्क मार लेंगे, जो कि हम लोग वेस्ट का बीचों बीच से हम लोग ऊपर की तरफ 4 इंच में आर्क मार लिया है। सो दोनों मैंने आर्क मार के रेडी कर चुकी हूँ, देख सकते हो। सो अभी हम लोग ये बैक साइड के ब्लाउज का हुक डालने का, हुक का पट्टी बनाएंगे। सो पहले हम लोग उल्टी की तरफ से स्टिच करके सीधी की तरफ हम लोग पट्टी बनाएंगे, यानी यहाँ पे होल होगा हुक। इस तरीके से हम लोग उल्टी की तरफ से स्टिच करके हम लोग सीधी की तरफ से सिला लेंगे। तो ये बन के रेडी हो चुका है पट्टी, देख सकते हो। अभी और एक साइड की पट्टी बनाएंगे, जो कि ये ऊपर की तरफ से स्टिच करके नीचे में जाएंगे। तो दोनों अभी पट्टी बन के रेडी हो चुका है, जो कि हुक का पट्टी है। और अभी हम लोग फ्रंट की स्टिच करेंगे। फ्रंट का भी हम लोग पहले मेन फैब्रिक रख के ऊपर से अस्तर रख के स्टिच करके हम लोग इसको भी उल्टी कर लेंगे। सो देख सकते हो मैंने स्टिच करके उल्टी की तरफ सीधी कर लिया है। अभी ये मिड पॉइंट से बीचों बीच से हम लोग यहाँ से बीचों बीच से हम लोग 4.5 इंच छोड़ के और 4.5 इंच लेंथ पे हम लोग यहाँ पे टेकिंग करेंगे, टेकिंग आर्क मारेंगे। सो मैंने दोनों ही आर्क मार के रेडी कर चुकी हूँ, देख सकते हैं। अभी हम लोग शोल्डर जॉइन करेंगे। सो अभी मैंने ये बैक साइड का कपड़ा लिया है, इस तरीके से हम लोग इसको फोल्ड करके शोल्डर जॉइन कर लेंगे। सो देख सकते हो मैंने ये दोनों ही शोल्डर जॉइन करके रेडी कर चुकी हूँ।
अभी हम लोग नीचे में एक प्लेट डाल के स्टिच कर लेंगे। सो पहले हम लोग फ्रंट का पार्ट को स्टिच करेंगे। सो मैंने एक अस्तर के कपड़ा कटिंग करके इस तरीके से अटैच करके मैंने इसको स्टिच कर दिया है। सो देख सकते हो पहले मेरा फ्रंट का हो चुका है। इसी तरीके से मैंने बैक का भी स्टिच कर दिया है। अभी हम लोग इसका फिटिंग हिसाब से, इसका चेस्ट और वेस्ट के हिसाब से हम लोग इसका फिटिंग डालेंगे। सो अभी देख सकते हो मैंने ये धागा रोल करके अभी धागा से हमें इसको झुमका बनाने की कोशिश करी हूँ। सो देख सकते हो इस तरीके से बनाऊंगी छोटी छोटी सी। सो इतना सारा मैंने बना चुकी हूँ। अभी हम लोग इसको बैक लेस के अंदर डाल के अटैच करके हम लोग स्टिच कर लेंगे। अभी हम लोग का झुमका लगाने के बाद देख सकती हो कितना प्यारा सुंदर निकल चुका है गला बैक साइड का। अभी हम लोग स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो देख सकती हो स्लीव मैंने दोनों लेस डाल के अटैच कर चुकी हूँ। स्लीव की स्टिच करके रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग स्लीव का फिटिंग कर लेंगे, यानी स्लीव स्टिच अटैच कर लेंगे। सो अभी मैंने दोनों स्लीव स्टिच करके तैयार कर चुकी हूँ, फिटिंग कर चुकी हूँ। सो फाइनल लुक है गाइस। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।